अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल से है और आप इसे रमज़ान मुबारक में अफ्तारी में बनाएं और सबको खिलाएं। और इसके लिए मुझे 4 से 5 आलू लेने हैं, जो कि आप मीडियम साइज़ के ले लें। और 1 कप बेसन लेना है, और ये बाउल है जिसमें मैं आलू काट के रखूँगी। और यहाँ नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा है मेरे पास। ठीक है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पे मैं बेसन में सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी, जो जो मसाले मुझे चाहिए। उसमें मुझे लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और कितना थिक रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली है, आप इसे आराम से इफ्तारी में बना सकते हैं। ये देखें कि मैंने कैसा इसका पेस्ट बना लिया है, आपने भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। अब हम यहाँ पे आलू की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आलू को छील लेना है, और साथ ही बाउल में पानी डाल लूंगी और आलू काट के इसमें रखूंगी। आलू को छील लिया है, और अब मैं इनको बिल्कुल बारीक काट लूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको कैसा काटूंगी। जी तो देखें कि मैंने कैसे आलू की कटिंग की है। बिल्कुल बारीक आलू आपने काटना है। अगर आप मोटा आलू रखेंगे तो वो अंदर से कच्चा रहेगा, गलेगा नहीं, इसलिए आपने बिल्कुल ही बारीक कटिंग करनी है आलू की। जितने आप बारीक करेंगे उतना ही अच्छा आलू क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे मैं बेसन के पेस्ट में आलू डालती जाऊंगी और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूँगी, और साथ ही ऑयल रख लेती हूँ ताकि वो गर्म हो जाए, और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। जी ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके आलू डाल दूंगी। और पहले तेज़ आंच रखूंगी, उसके बाद मैं आंच को मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। और आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप इस दफ़ा बना रहे हैं रमज़ान में, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। ये देखें जी कितने मज़े के पोटैटो बाइट्स हमारे रेडी हो रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर हम इनको निकाल देंगे। जी तो फाइनली मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और मेरी परी को बहुत पसंद आए थे। क्यों परी, आपको पसंद आए थे? ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।